जलाल की मौत के फौरन बाद एक तरफ बेनजीर को मार डालना और दूसरी ओर अबुल मलिक को खत्म कर देना। याद रहे, तब तक ये बात सिर्फ हम लोगों के बीच रहनी चाहिए। कौन सी बात आदम खान? ऐसी कौन सी बात है जो हमें बताने की जरूरत नहीं है? अम्मी जान हमसे मसलत कर रहे थे कि कैसे बाज भालू को दबाया जाए। इन्होंने पूछा कि क्या अम्मी जान को इसके बारे में खबर है। हमने कहा नहीं, वो नहीं जानती और ना उन्हें जानने की कोई जरूरत है। आखिर ये काम शहनशाह और आपने हम पर सौंपा है। बेशक जंगी मामलात में हमें आदम खान पर पूरा भरोसा है। वैसे आदम खान कब कूच करेंगे मालवा के? जैसे ही शहनशाह का निकाह हो जाए मीजा, बाज बहादुर सोचेगा कि हम जश्न में मशरूफ हैं और अचानक हम उस पर हमला बोल देंगे। बहुत अच्छी चाल है, बहुत खूब। आप सब लोग निकाह होने तक मुस्तैद रहना। शहनशाह पर एक बार हमला हो चुका है, हम नहीं चाहते हैं कि वो दोहराया जाए। खुदा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। जलन नाम की चीज का भी जवाब नहीं। बेनजीर के जलन ने जोधा बेगम को कहां से कहां पहुंचा दिया। शहनशाह का इकबाल बुलंद हो। कई हद का साहब, क्या मेरा बेनजीर के हुजरे से? पूरे हुजरे की तलाशी ले ली हुजूर, मगर इसके अलावा और कुछ हासिल ना हो सका। क्या ये? पता नहीं शहनशाह, ताला लगा है। तो तोड़ दीजिए। कहाँ है वो बक्सा? कहाँ है साकीरा? वो यही रखा था हमने, पता नहीं कहाँ है। इसका मतलब है जब हम होजरे में नहीं थे कोई होजरे में आया था, उसी के हाथ लग गया है वो बक्सा। बेनजीर, अगर वो बक्सा खुल गया तो गजब हो जाएगा। क्या है ये? जहर मोहरा है उसमें, जहर काटने की दवा। कोई उसे पहचाने का नहीं, क्योंकि हमने उसे मोती की शक्ल में बनाया था। अगर उसे कोई देख भी ले तो उसे ये नहीं पता चलेगा कि वो जहर मारने का अर्क है। इन औरतों की विरासत कमाल की है। कैसा, हमें समझ नहीं आता कि इन्हें हीरे जवाहरातों से इतनी मोहब्बत क्यों है। खैर, क्या कुछ और मिला बेनजीर के उजरे से? नहीं हुजूर। अगर तुम लोगों का ये सब हो जाए तो ये सारा सामान दूसरे होजरे में रखवा देना। रुकैया बेगम, आपसे एक विनती है। ये दिया काफी समय से यहाँ पर प्रज्वलित हो रहा है, आप इसे यहीं रहने दीजिएगा। इसकी ज्योत अपने आप शांत होने दीजिएगा। माफ कीजिएगा जोधा बेगम, मगर ये होजरा बेनजीर को दिया जाएगा और शायद उन्हें ये सब पसंद ना आए। और वैसे भी यहाँ बेनजीर के महंगे जेवरात रखे जाएंगे, तो हमें दिया हटाना ही होगा। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे, बस इस दीपक को यहाँ से मत हटाइए। जोधा बेगम, जब यहाँ मूर्ति ही नहीं तो इस दिए का क्या काम? दीपक केवल आस्था का प्रतीक नहीं होता, बल्कि इस संसार में जीवन का भी प्रतीक होता है। कई महीनों से दीपक यहाँ पर जल रहा है, और यदि दीपक स्वयं बुझ जाए तो कुछ नहीं, परंतु उसे बुझाया नहीं जाता, ये अपशगुन होता है। ये सब बातों में हम यकीन नहीं रखते। ये दिया यहाँ से हटेगा ही।
आखिरकार आपकी जलन इतनी बढ़ गई है कि आपने आगरा छोड़ कर आमिर जाने का फैसला कर लिया। नहीं शहंशाह, इस तरीके से हमारे मायके वाले हमें नहीं अपनाएंगे और ना ही हम अपना ससुराल छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, बस किसी ने हमें कक्ष खाली करने को कहा है, सो हम जा रहे हैं। लेकिन आप ये हुजरा खाली क्यों कर रही हैं? क्योंकि हमें कहा गया है कि कक्ष किसी और को देना है। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने कब कहा? और किसको दिया जा रही है हुजरा? अब आप इतना भी अभिनय मत कीजिए शहंशाह। आप चाहते हैं कि कक्ष बेनजीर को दे दिया जाए तो ठीक है ना, हम तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु बात केवल दीपक की थी। दीपक जब तक स्वयं न बुझ जाए उसे बुझाया नहीं जाता है। परंतु इस बात को भी नहीं माना जा रहा ना, तो कोई बात नहीं, इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या है रुकिया, हमने कब तुम्हें जोधा बेगम से उनका हुजरा खाली करवाने को कहा? नहीं कहा, लेकिन हमने ऐसा किया आपकी सहूलियत के लिए। और फिर आपने सारे हरम की जिम्मेदारी हमें सौंपी। हम जो चाहे कर सकते हैं, और अब आपकी नई बेगम आ रही है, तो आपकी सहूलियत के लिए हमने उन्हें आपके नजदीक वाला हुजरा दिया है। हमारी सहूलियत की फिक्र करना छोड़ दो रुकिया, जोधा बेगम इसी हुजरे में रहेंगे। गुस्ताखी माफ हो शहंशाह, लेकिन हरम के मामलात की जिम्मेदारी आपने बेगम रुकैया को सौंपी। आपके ख्वाबगाह को छोड़कर बाकी सारे ख्वाबगाह कब किसे कैसे सौंपने हैं, ये सारी जिम्मेदारी आपने बेगम रुकैया पर छोड़ रखी है। अब इसमें दखल देना आपकी जुबान से हटना होगा। मगर बड़ी अम्मी, हमने भी जोधा बेगम को जुबान दी है कि हम उनके मजहब उनकी इबादत में दखल नहीं होने देंगे। हम उनके धर्म को पूरी इज्जत बख्शेंगे। शहंशाह, जोधा बेगम को दी हुई जुबान के लिए आप हमें दी हुई जुबान से फेर जाएंगे? ठीक है, हम तुमसे तुम्हारा हक नहीं छीने रुक गया। हमारे हुजरे से हमारे हर सामान को इस हुजरे में लाया जाए। ये आप क्या कर रहे हैं? रुकैया, हमने तुम्हें भले ही हरम का मुख्तियार बनाया, मतलब तुम्हें हक दिया है कि तुम तय कर सको कि कौन सी बेगम किस हुजरे में रहेंगी किस हुजरे में नहीं, लेकिन हम कहाँ रहेंगे ये तय करना तुम्हारे हक से बाहर है। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इसी हुजरे में रहेंगे। हमें समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। मलिकाए बेगम, आप मुगल सल्तनत और शहनशाह की मलिकाए खास है। आपने इस कनीज को इतनी इज्जत बख्शी, हम कहने को बेगम होंगे मगर जिंदगी भर आपकी गुलाम बनकर हम आपका सजदा करेंगे, आपके सामने झुकेंगे। बहुत खूब बेनजीर, अगर तुम्हारा बर्ताव इसी तरह रहा तो यकीन मानो तुम्हें इस हरम में वो मुश्किल कभी नहीं आएगी जो शायद कुछ लोगों को। हम कोशिश करेंगे कि मलिकाए खास की शान में कभी कोई गुस्ताखी ना हो। आदाब, आदाब। देखा सलीमा बेगम, एक कनीज तक को पता है कि हमारी हैसियत क्या है और हमारे सामने रहने का अदब क्या है, मगर कुछ बेगमों को बेगम होते हुए भी बिल्कुल अदब नहीं है। बहुत समझदार है बेनसीर, जानती है कि अपना ओहदा बनाने के लिए शहंशाह की नहीं हमारी नजरों में उतना होगा, लेकिन कुछ नासमझ बेगम उनके दिल में जगह बनाना चाहती है जो उनके पास है ही नहीं। भूल जाती है कि हम मलिकाए खास है और मलिकाए खास के सामने सर उठाने का मतलब है अपने आप को आम बना लेना। इस हरम में बेगम और बांदिया तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आखिर में कुछ दिखता है तो हमारा और जलाल का रिश्ता, हमारी दोस्ती। और हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपका ओहदा हमारे ठीक बाद आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुगल हरम किस तरह काम करता है। मेहंदी की शाम को दुल्हन के हाथों की मेहंदी मिट जाना अच्छा नहीं होता। कोई बात नहीं महामंगल, हम ये रस्म फिर से कर लेंगे।
जो बाकी तोहफे आए हैं उन्हें पेश किया जाए। बेगम जोधा, आप होने वाली नई दुल्हन के लिए कोई नजराना पेश नहीं करेंगी? हम लेकर आए हैं महामंगा जी। कान्हा हमारे इष्ट है, हमारे भगवान, सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और आज इस शुभ अवसर पर वरवधु की सुरक्षा की कामना करते हुए हम कान्हा का ये चित्र आपको भेंट में देना चाहते हैं। ईश्वर सबका मंगल करे। भगवान की बुरी शक्तियों पर जीत का प्रतीक है। एक कालिया नाम का बहुत ही विषैला नाग था, जिसके कारण पूरी यमुना नदी का पानी विषैला हो गया था और जिसे पीकर ब्रजवासी मरते जा रहे थे। ऐसे में बाल गोपाल ने खेल खेल में ही उस विषैले नाग का फन कुचल दिया था और इस तरीके से अपने भक्तों की रक्षा की। हमने भी सोचा कि इस शुभ अवसर पर इससे अच्छी भेंट तो आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती है। आपके कहने का मतलब हम समझ रहे जोधा बेगम, ये तस्वीर यहीं रह जाएगी और आप शहंशाह को नहीं बचा पाएंगी। जैसे भगवान कृष्णा ने कालिया नाग के विष से लोगों को बचाया, भगवान वैसे ही तुम्हारे विष से शहंशाह की रक्षा करेंगे। मुबारक हो रुकैया बेगम, इसमें लिखा है कि आप अपने शोहर के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताएंगे। अब सलीमा बेगम की बारी। आपके लिए लिखा है कि आप मुगल सल्तनत की सबसे चहेती बेगम बनी रहेंगी। अब ये बताइए कि हमारी होने वाली बेगम की किस्मत में क्या लिखा है? पता मेरे तोते, शहंशाह की होने वाली नई बेगम की किस्मत में क्या लिखा है? या अल्लाह, इसमें लिखा है कि ये शहंशाह के साथ सबसे कम वक्त बिताएंगी। बिल्कुल ठीक कहता है, शहंशाह का वक्त पहले ही खत्म कर देंगे हम। सही तो कह रहा है इनका तोता। अब जब मलिका खास बेगम रुकैया शहंशाह के साथ ज्यादा वक्त बिताएंगी तो छोटी बेगम को वक्त जरा कम ही मिलेगा। अच्छा, वो सब छोड़िए, अब हम जानना चाहते हैं कि हमारी बेगम जोधा की किस्मत में क्या क्या लिखा है।
जी वजीरे आलिया, अभी बताते हैं। आपकी किस्मत में लिखा है कि आप शहंशाह को हर बुरी नजर से बचाएंगी, हमेशा उनका रक्षा कवच बनकर। बुरी नजरों से तो बचा लेंगी आप जोधा बेगम, मगर हमारे जहर से नहीं बचा पाएंगी। तुम्हारे विष से हर हाल में शहंशाह को बचाएंगे हम बेनजीर। सलाम अलैकुम अम्मी जान। जीते रहो। किस सोच में थे जलाल? कुछ नहीं सोच रहे अम्मी जान। अपनी अम्मी जान से झूठ बोल रहे हो? बताओ क्या सोच रहे थे तुम? हम सोच रहे थे अम्मी जान कि जब भी इस झरोके के पास आते हैं तो देखते हैं कि सल्तनत के हजारों लोग हमारे लिए सजदा करते नजर आते हैं। जब अपने महल के बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि रियाया सल्तनत आवाम के करोड़ों लोग हमारे लिए दुआ करते हैं। जब हरम के पास से गुजरते हैं तो पाते हैं हरम की तमाम बेगमात बांदियां हमारी एक नजर को तरसती हैं, मगर इन सब के बावजूद न जाने क्यों खुद को यहाँ अकेला पाते हैं, तन्हा महसूस करते हैं। क्योंकि तुम तन्हा हो जलाल। जो तख्त पे बैठता है वो सबसे ऊपर होता है, सबसे अकेला होता है। तुम जिस ओहदे पर हो जलाल, वहाँ ऐसा कोई नहीं है जिस पर आंखें मूंद कर तुम यकीन कर सको। ऐसा कोई नहीं है जिसके पहलू में अपनी हिफाजत की सोचे बगैर तुम्हें नींद आ सके। ऐसा कोई नहीं है जिससे दिल की बात कहकर तुम्हें सुकून मिले। आप हैं अम्मी जान। बेशक हम हैं, पर कब तक बेटा? हम हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकते ना। कल तुम्हें एक और बेगम मिलने वाली है। हम खुदा से यही दुआ करेंगे कि तुम्हें ऐसी शरीके हयात मिले जिसे सिर्फ अपने शौहर की फिक्र हो, एक शहंशाह की नहीं, जिसके दिल में तुम्हारी परवाह हो इसलिए कि तुम उसके शौहर हो, हिंदुस्तान के बादशाह नहीं। तुम्हारी तकलीफ देखकर जिसकी आंखों में आंसू तुम्हारे लिए आए, एक शहंशाह के लिए नहीं, जिसका दिल बिना कहे तुम्हारे दिल की बात समझ ले। अम्मी जान, दिल नहीं है हमारे पास, इसलिए कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आज तक तुम्हें कोई मिली ही नहीं जो तुम्हारे दिल को धड़कने पर मजबूर कर दे। वजीरे आलिया पधार रही है। बेनजीर। आदाब वजीरे आलिया। तुम तैयार हो बेनजीर? हम निकाह के लिए तुम्हें लेने आए। जी, हम पूरी तरह से तैयार हैं। चलो। कर पाई तुम बेनजीर,
परंतु आज भी हमारी दृष्टि तुमसे नहीं हटेगी। होशियार, नूरे तख्त, शहंशाह हिंद, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। अत्ता खान और उनके जैसे शहंशाह के वफादारों के पीछे मुस्तैद रहना, शहंशाह का खात्मा होते ही उन्हें भी खत्म कर देना। देखना आदम खान, इस निकाह के बाद बेगम चौधा तो कई काम से, और निकाह से पहले जलाल का काम तमाम हो जाए। कल हमारे तख्त पर बैठने का सपना आपका मीजान पूरा हो जाएगा। मुंह दिखाई की रस्म का वक्त हो गया है सहनशाह। नजीर कब अपना काम पूरा करेगी, कब? बस मौका मिलते ही शहंशाह का काम खत्म। सुभान अल्लाह, अब मुंह दिखाई की रस्म पूरी हुई, अब शहंशाह और दुल्हन एक दूसरे का मुंह मीठा कराएंगे। चौथा बेगम, इस गुस्ताखी के लिए हम आपको माफ नहीं करेंगे। हमें क्षमा चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम कुछ भी अनुचित नहीं कर रहे हैं। इसमें विष है और आज हम ये सिद्ध करके रहेंगे। खामोश, एक लफ्ज और नहीं चौथा बेगम। हमें आपसे कुछ कहना भी नहीं, क्योंकि हमने बहुत कोशिश कर ली आपको कहने की, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ और आज हम आप ही ने कहा था रा कि भले हमारी आंखें बंद हो जाए, परंतु आप अपनी नजरें उठा के देखें। तो आज यही सही,
आप हमारी ओर देखना नहीं चाहते और हम अपने पति की हत्या होते हुए नहीं देख सकते हैं। आपसे विदा लेते, आपसे विदा लेते, आपसे विदा लेते, कदाचित इसके बाद हमारी आंखें कभी ना खुलें, आंखें कभी ना खुलें। आपसे ही हमारा सौभाग्य है, सौभाग्य है। पूर्व जन्मों के विविध कर्मों से ही आप हमारे पति हुए हो, पति हुए हो, और हम आपकी वधु हुई हैं, वधु हुई हैं, वधु हुई हैं, वधु हुई हैं। क्यों नहीं आया किंग साहिबा? कोशिश कर रहे हैं शहंशाह, लेकिन जहर बहुत ताकतवर है। दुनिया के सबसे जहरीले सांपों का जहर है। अगर जोधा बेगम होश में होती तो उन्हें उल्टी करा के जहर निकाल सकते थे, मगर ये फौरन बेहोश हो गई। की वजह से हुआ है। अभी इसी वक्त अबुल मालिक का सर काट कर फेंक दिया जाए। होशियारी से, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिसे रुकैया बेगम को खतरा हो। बेनजीर को चारों ओर से घेर लो, वो हमें चकमा देकर भागनी नहीं चाहिए। जब तक वो हमारी पहुंच में है, रुकैया बेगम की जान बची हुई है। पीछा करो उसका। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।